हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार का पार्ट टू, और इसमें आर्टिकल 15 से 18 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 जो था समानता का अधिकार और विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये जो आर्टिकल 14 था वो समता के अधिकार को व्याख्यात करता था। अब आर्टिकल 15 से 18 तक इसी समता के अधिकार का अनुप्रयोग है, तो आप इसे हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यहाँ पे केवल शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन केवल पांच आधारों पे राज्य विभेद नहीं करेगा, और अन्य आधार हैं तब राज्य विभेद कर सकता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 जो है वो कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, क्योंकि महिलाओं के कुछ जैविक अधिकार भी होते हैं, मातृत्व अधिकार भी होते हैं, इसलिए महिलाओं के लिए विभेद किया जा सकता है। और बच्चे जो होते हैं इमोशनली वीक होते हैं, तो इनके लिए भी कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, वो आर्टिकल 15 के उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। फिर इसमें कहा गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या जनजाति के विकास के लिए अगर कोई राज्य विशेष उपबंध बनाता है, तो उसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर एक शर्त और जोड़ी गई 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से, और कहा गया कि अगर सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कुछ अगर छूट संबंधी नियम बनाए जाते हैं, तो वे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 में कुछ बातें और कही गई हैं। जैसे कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये जो पांच आधार हैं, इनमें या इनमें से किसी एक के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और कही गई है, जो पूर्णता या भागता राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के लिए समर्पित कुएं हैं, तालाब हैं या स्नान घाट हैं, उनमें भी उनको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो अगर हम देखें तो आर्टिकल 15 का जो पहला खंड है वो राज्य के लिए प्रतिषेध करता है, और जो दूसरा भाग है वो राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्रतिषेध विभेद का प्रतिषेध करता है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 15 देखा और उसके अपवाद भी देखे। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक क्रीमी लेयर का संदर्भ है, वो भी जो पिछड़े वर्ग के छात्र होते हैं वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो 1993 में जब ये क्रीमी लेयर आई थी, तब इसकी सीमा थी 1 लाख, अर्थात 1 लाख, 1 लाख के ऊपर अगर किसी की इनकम है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और अगर 1 लाख से नीचे उसकी इनकम है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आएगा और उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। अब ये सीमा 2017 में 8 लाख कर दी गई है। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं जो कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत के अंतर्गत हैं, जैसे कि जो संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, साथ ही जो यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गए, इनके जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं ये भी, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, ये सभी संवैधानिक पद हैं, इनका संविधान में जिक्र है, तो ये क्रीमी लेयर में आते हैं, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रुप ए व ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकेंड अधिकारी जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में, वो भी क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, उसके बाद में जो निजी कंपनियां हैं उसमें कार्यरत अधिकारी, उन पर इस तरीके से कुछ श्रेणियां हैं जिनमें अगर व्यक्ति आता है तो क्रीमी लेयर में आएगा और उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 16, जो कि कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, और राज्य केवल धर्म,
वंश, जाति, लिंग, जन्म या निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 15 में सिर्फ 5 आधार थे, इसमें निवास एक अन्य आधार जोड़ दिया गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। पहला अपवाद है कि अगर संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त लागू करती है तो वो लागू कर सकती है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे राज्य विधानमंडल नहीं लागू कर सकता है, संसद ही लागू कर सकती है। केवल केवल ये शक्ति संसद को दी गई है, जिससे कि क्षेत्रीय अखंडता व जो एकता है वो बनी रहे। और इसी को ध्यान में रख के एक सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 लाया गया था, जिसे 1974 में जिसे समाप्त भी कर दिया गया। अभी ये व्यवस्था केवल आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में ही लागू है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है, इसका एक अपवाद ये भी है कि अगर राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है, अगर वो पिछड़े वर्ग के पक्ष में बनाता है, तो वो आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा। इसमें एक और भी अपवाद है आर्टिकल 16 का, अगर विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जाती है तो वो भी आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ, जैसे कि अगर कोई मंदिर है तो उसमें यह व्यवस्था की जा सकती है कि उसमें जो पुजारी है वो सिर्फ हिंदू धर्म से हो, जैसे कोई मुस्लिम संस्था है तो उसमें व्यवस्था की जा सकती है कि उसके कार्यकारी परिषद या उसके जो मठाधीश हैं वो मुस्लिम धर्म से ही हों। तो ऐसा अगर किया जाता है तो ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये कहा गया था बस इसमें। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो मंडल आयोग बनता है 1979 में, मुरारजी देसाई की जो सरकार थी वो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है बीपी मंडल की अध्यक्षता। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आर्टिकल 340 के अंतर्गत शैक्षिक व सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास तथा उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। और इसने अपने सुझाव प्रस्तुत किए और इसने कहा कि ये जो पिछड़ा वर्ग है ये जनसंख्या में 52% हिस्सा रखता है, अगर SC व ST को शामिल नहीं किया जाए तो इस आधार पे इनके लिए कम से कम 27% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से कुल आरक्षण 50% होना चाहिए। फिर 1990 में VP सरकार ने मंडल आयोग की अनुशंसाओं को मान लिया और इसको लागू कर दिया 27% आरक्षण। फिर 1991 में नरसिंह राव की सरकार जो थी उसने इसमें दो परिवर्तन किए, इसने 27% जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण था उसे बनाए रखा, साथ ही साथ 10% आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण दे दिया। ये EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण नरसिम्हा राव सरकार ने दे दिया। लेकिन जब ये मामला इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तो वैलिडिटी करार दे दी 27% आरक्षण की, लेकिन 10% जो EWS के लिए दिया गया था आरक्षण उसको अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि ये 50% की सीमा का उल्लंघन करता था। तो इस तरीके से देखें तो मंडल आयोग की अनुशंसा पे जो OBC आरक्षण है वो 27% लागू किया गया था। आगे चलकर आर्टिकल 16 में एक संविधान संशोधन किया जाता है, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के माध्यम से। और इसमें कहा जाता है कि राज्य अगर ये देखता है कि राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान कर सकता है, अर्थात प्रमोशन में आरक्षण प्रदान कर सकता है। फिर उसके बाद में 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 आया, इसके माध्यम से एक व्यवस्था की गई कि इनमें प्रोन्नति में जो आरक्षण इनको प्राप्त होता है तो उसके साथ साथ इनको परिणामिक ज्येष्ठता भी प्राप्त होगी। फिर एक संविधान संशोधन और किया जाता है आर्टिकल 16 में, वो 81वां संविधान संशोधन होता है 2000। इसके तहत कहा गया कि अगर जो आरक्षित वर्ग हैं वो किसी वर्ष पूरी तरीके से भर नहीं पाते हैं तो जो बचे हुए आरक्षित वर्ग हैं उनको सामान्य में शामिल ना करके उनको अगले वर्ष या आने वाले वर्षों में भरा जाएगा और उनको आरक्षित वर्ग में ही जोड़ दिया जाएगा। अर्थात अगर 5 सीटें हैं आरक्षित वर्ग की इस साल, जिसमें से 4 ही भर्ती हैं, तो ये जो एक पद है ये इसको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि इसको आरक्षित ही रखा जाएगा। और अगले वर्ष अगर 5 सीटें हैं
तो उसमें इसको भी जोड़ दिया जाएगा, अर्थात आरक्षित वर्ग के लिए 6 सीटें हो जाएंगी। ये व्यवस्था 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई थी। अगर ऐसा करते हुए किसी वर्ष जो आरक्षण की सीमा है 50%, वो अगर ब्रीच भी हो जाती है तो भी ये गलत नहीं होगा, अर्थात 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बैकलॉग रिक्तियों के संदर्भ में। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैकलॉग रिक्तियां थी उनमें आरक्षण 50% सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, अर्थात ये छुआछूत को दंडनीय अपराध बनाता है। देखिए आर्टिकल 17 में संसद को शक्ति दी गई है कि वो कानून के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत कर सकती, तो इसीलिए संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसको 1976 में बदल दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया और उसको अब कहा जाता है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, इसको सिविल राइट्स एक्ट भी कहते हैं 1955। देखिए अस्पृश्यता को ना तो संविधान में और ना ही इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, लेकिन अगर हम देखें कि यह अधिनियम किसको अपराध मानता है, तो अगर किसी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थल उसमें पूजा करने से रोकना या प्रवेश से रोकना, साथ ही साथ परंपरागत धार्मिक या दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी सार्वजनिक होटल या दुकान में प्रवेश करने से रोकना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्य की बेइज्जती करना, अस्पताल या शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में प्रवेश से रोकना, और भी अन्य प्रावधान है इसमें जिनको अपराध माना गया है, जैसे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, यही सब चीज़ें जो हैं वो इस अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य जो है वो सिर्फ सेना या विद्या संबंधी सम्मान दे सकता है, इसके अलावा कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। उसके बाद में इसमें कहा गया है कि कोई भी जो भारत का नागरिक है वो विदेशी उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ये भी कही गई है कि अगर कोई गैर नागरिक है लेकिन वो भारत में लाभ के पद पर कार्यरत है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी उपाधि को किसी अन्य देश से धारण नहीं करेगा या उसको ग्रहित नहीं करेगा। उसके बाद में इसमें एक चीज़ और कही गई है कि अगर राज्य के अधीन कोई व्यक्ति है तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई पुरस्कार ले सकता है, किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो पुरस्कार प्राप्त नहीं करेगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाता है, उसमें कहा जाता है कि क्या ये जो भारत रत्न है या पद्म पुरस्कार है, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री, ये संवैधानिक रूप से वैध हैं या नहीं, अर्थात ये उपाधि की श्रेणी में आते हैं या नहीं। तो न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधियां नहीं हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको अपने नाम के आगे या नाम के पीछे इस्तेमाल करता है तो ये गलत है और उसे इन पुरस्कारों को त्यागना होगा। और इस तरीके से हम देखें तो पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण व जो भारत रत्न है, ये उपाधि के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, लेकिन व्यक्ति इनको अपने नाम के साथ में लगा नहीं सकता है। सो, इस लेक्चर में इतना ही था। हमने आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 18 तक इस लेक्चर में कवर कर लिया है और जो भी इम्पॉर्टेंट बातें थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी कवर कर ली हैं। मैं कोई अतिरिक्त चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ। सो, हमारे साथ बने रहिएगा, इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।